हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 साइड इफेक्ट ऑफ डीएनएस। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, जैसे पहले की काफ़ी वीडियो में हमने डिस्कशन किया है डीएनएस की रिगार्डिंग, बट आप जो है डीएनएस के जो 7 साइड इफेक्ट हैं वो बिल्कुल हमें दिमाग में बिठा लेना है कि क्या वो 7 साइड इफेक्ट हैं। डीएनएस, जैसे आपको पता है, नाक के हड्डी का टेढ़ापन, जिसके कारण नंबर 1 जो साइड इफेक्ट होता है दोस्तों, नाक के अंदर सांस की रुकावट। नाक के अंदर हमें दोनों तरफ से बराबर जो सांस आना चाहिए वो बराबर सांस नहीं आता। राइट साइड करवट लेते हैं, लेफ्ट साइड करवट लेते हैं, एंड साइक्लिकली हमारा नोज ब्लॉक रहता है, एंड नाक के जो है वो सांस में ब्लॉकेज के कारण गला सूखता है, स्नोरिंग होती है, खर्रांटे आते हैं। सो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नंबर 1 नेजल ब्लॉकेज। दोस्तों, दूसरा जो साइड इफेक्ट है वो है साइनस की समस्या उत्पन्न होना, साइनोसाइटिस होना। डीएनएस के कारण साइनस की समस्या भी बन सकती है, हाँ दोस्तों। एंड तीसरी हम बात करते हैं दोस्तों, नाक के पीछे बलगम टपकना, नाक के पीछे गले में बलगम का टपकना, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में पोस्ट नेजल डिस्चार्ज भी हम बोलते हैं। ये जो साइनस की जो समस्या बनती है, इस साइनस की समस्या के कारण ये तीसरी जो समस्या है पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि साइनस के अंदर जो अंदर म्यूकोजा है, जो अंदर की श्लेष्मा झिल्ली है, वहाँ पे से जो फ्लूड टपकता है, ये नाक के हमारे गले में जाता है, जिससे हमें पोस्ट नेजल ड्रिप। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा तीसरा साइड इफेक्ट। चौथा साइड इफेक्ट दोस्तों, नाक के डीएनएस के कारण हमें ईयर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। यस दोस्तों, आप सोचोगे नाक की प्रॉब्लम के कारण ईयर प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो जाती है? यस, क्योंकि हमारा जो कान है, जो हमारा ईयर है, वो जो बाहर ओपन हो रहा है, वो दोस्तों नोज के पीछे के हिस्से में भी ओपन होता है। एंड जब हम ब्रीदिंग करते हैं दोस्तों, तो 10% एयर उसमें आनी जानी चाहिए, तो वो हमारा जो यूस्टेकियन ट्यूब है वो डीएनएस के कारण, साइनोसाइटिस के कारण वो ब्लॉक हो जाती है। सो कान के पर्दे के पीछे फ्लूड एक्युमुलेट होता है, कान का पर्दा चिपक जाता है, एंड बहुत बार कान के पर्दे में भी छेद हो जाता है। सो कम सुनाई देना, कान के अंदर पानी आना, कान के अंदर सही सही की आवाज़ आना, सुनाई कम देना, दोस्तों डीएनएस के कारण ये ईयर की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। सो ये 4th समस्या को जन्म दिया डीएनएस ने। दोस्तों, 5वीं जो समस्या है, बहुत बार डीएनएस के कारण नोज ब्लीडिंग भी संभव है, नेजल ब्लीडिंग, नाक के अंदर ब्लीडिंग का होना। यस, जब डीएनएस होता है तो दोस्तों डीएनएस के कारण जो सेप्टल स्पर होता है, जो अंदर की म्यूकोजा में जो नसें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, वहाँ खरूंट बनता है, एंड दोस्तों उसके कारण क्या होता है, फिर हमें जो है नेजल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, ये हो गया 5th साइड इफेक्ट। दोस्तों, 6th जो साइड इफेक्ट है डीएनएस के कारण वो होता है एनोस्मिया, यानी हमें खुशबू और बदबू का पता नहीं लगना। दोस्तों, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा नाक का जो अब ऊपर का एक तिहाई हिस्सा होता है, वहाँ पे क्या है कि स्मेल और जो खुशबू के फ्रेग्रेंस जो पार्टिकल जाते हैं डीएनएस के कारण वहाँ नहीं जा पाते, एंड आपको खुशबू और बदबू का पता नहीं लगेगा। सो एनोस्मिया 6th प्रॉब्लम। दोस्तों, 7th जो साइड इफेक्ट है डीएनएस का वो है आपको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होना, नोज की लुकिंग के अंदर जो है वो विकृति क्रिएट करना। दोस्तों, डीएनएस कई बार इतना एक्सट्रीम होता है कि हमारा नोज जो है लुकिंग में बाहर से टेढ़ा दिखता है, सी सेप्ट हो सकता है, वो एस सेप्ट हो सकता है, वो एक तरफ आई सेप्ट हो सकता है, बहुत सारा जो है वो डेविएशन क्रिएट कर देता है, एंड वो हमें लुकिंग में अच्छा नहीं लगता। सो दोस्तों, ये 7 साइड इफेक्ट अपन ने देखा, नाक के अंदर ब्लॉकेज हो गया, साइनस की समस्या उत्पन्न हो गया, पोस्ट नेजल ड्रिप हो गया, ईयर की प्रॉब्लम हो गया, नेजल ब्लीडिंग हो गया दोस्तों, एनोस्मिया हो गया, इसके बाद के अंदर नाक की जो है बाहर से विकृति। ये दोस्तों 7 साइड इफेक्ट हैं जो डीएनएस के कारण हो सकते हैं। सो दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं भूलें, अगर किसी को डीएनएस है तो तुरंत हमें उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब क्या ट्रीटमेंट है, हम हमारे अगले वीडियो में बात करेंगे क्या ट्रीटमेंट है, क्या मैनेजमेंट है डीएनएस का। एंड दोस्तों, ये दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल, यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू यस योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द डीएनएस। दोस्तों, अगर डीएनएस के रिगार्डिंग हो और भी कोई क्वेरी है, आप अपने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, डेफिनेटली हम आपका रिप्लाई देंगे। थैंक यू।